नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। रविवार में आईपीएल में डबल हेडर में होने वाले दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स टीम से होगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ होने वाले इस मैच में अपनी बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करना पड़ सकता है। टीम को विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की जरूरत महसूस हो सकती है। दिल्ली की टीम को खेले गए दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम ये चाहेगी कि यह मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ा जाए। टी20 प्रारूप में हालांकि काफी कुछ टॉस पर भी निर्भर करता है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पिछली चार मेहनत में सीएसके की चुनौती से पार नहीं पा सकी है और इसमें भी उसकी हार का अंतर 91 रन, 27 रन और 77 रन रहा है, जो उसकी हालत दर्शाने के लिए काफी है। और ये भी देखना होगा कि इन तीन करारी शिकस्त में डीसी की कोर टीम लगभग समान रूप से बनी हुई है। बस पिछली भिड़ंत में ऋषभ पंत मैच में नहीं थे, वहीं अब पंत भी वापस आ चुके हैं और ये देखते हुए सीएसके के खिलाफ दिल्ली की जीत को टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर भी माना जा सकता है। सीएसके एक बार फिर से हर विभाग में मजबूत दिख रही है, जो कोच रिकी पोंटिंग की डीसी से बिल्कुल उलट नजर आता है, क्योंकि दिल्ली की टीम अभी तक खेले गए दोनों विभागों में कमजोर नजर आई है। डीसी के सहमालिक जेएमआर और जीएसडब्ल्यू पिछले कुछ सालों से नीलामी में ही टीम संयोजन में गड़बड़ी करते नजर आ रहे हैं, जिससे पोंटिंग या क्रिकेट निदेशक सौरभ गांगुली घरेलू प्रतिभाओं से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सीएसके ने अनकैप समीर रिजवी को 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा और पहली ही आईपीएल पारी में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके द्वारा जड़े गए दो छक्कों ने यह दिखा दिया कि फ्रेंचाइजी उन्हें टीम में शामिल करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी। फ्रेंचाइजी में डीसी के पास सबसे कमजोर टैलेंट स्काउट प्रोग्राम है, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल में समाप्त हुए रणजी ट्रॉफी सत्र में 902 रन जुटाकर सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले रिक्की भोई ने टीम के पिछले मैच में जितना खराब प्रदर्शन किया, उससे घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के बीच का अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे हिस्से के दौरान प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में वापसी करने वाले शॉ भले ही पोंटिंग द्वारा तय किए गए फिटनेस मानकों को पूरा नहीं करते हों, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के चेज रूम में हर कोई ये जानता है कि अगर शॉ और भुई में से किसी एक को चुनना होगा तो दांव किस पर लगाया जाएगा। डेविड वार्नर भी अब पुरानी फॉर्म में नहीं दिखते हैं, जबकि कप्तान पंत को लय में आने में काफ़ी समय लग सकता है। मिशेल मार्श पिछले दो सत्र से डीसी के साथ हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी निरंतर नहीं नजर आ रहा, जिससे पृथ्वी शॉ की मौजूदगी से दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी को कुछ मजबूती जरूर मिलेगी, जिससे मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चाहर, मतीसा पतराना और रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा। पर असली चुनौती मुस्तफिजुर की कटर की वैरायटी का सामना करना होगा, जो चतुराई से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। बात यह है कि अगर पंत नहीं चल पाते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स में घरेलू प्रतिभाओं में कोई पावर हिटर नजर नहीं आता। वहीं शाई होप और ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर समय लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की डेथ ओवर में गेंदबाजी भी एक चिंता का विषय है, जिसमें अक्षर पटेल को छोड़कर कोई भी अन्य गेंदबाज प्रति ओवर 7.50 से कम इकोनॉमी में रन नहीं दे पा रहा है। एंड्रिक नोकिया सही लेंथ में गेंदबाजी नहीं कर सके हैं, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अंतिम 5 ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन लुटा दिए। इससे दिल्ली कैपिटल्स को ईशांत शर्मा की वापसी की भी जरूरत नजर आती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपरकिंग्स या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में बाजी मार सकती है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।